फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं कटनी के मोबारा जंक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मालगाड़ी जा रही है जो कि लोडेड मालगाड़ी है, और ये है प्लेटफार्म नंबर 4 और 5। जहाँ आप देख रहे हैं ये प्लेटफार्म नंबर 5 है, इसके अपोजिट साइड 4 है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सामने देख पाएंगे, यहाँ पे कटनी मुड़वाड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मालगाड़ी कितनी तेज़ी से जा रही है प्लेटफार्म के अंदर से। ये अभी जा रही है मेन लाइन से। और फ्रेंड्स, ये ट्रैक के बगल में चल रहा है एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पियर है और वहाँ पे पियर गैप बन रहा है। और सामने आप देख सकते हैं, सामने कुछ काम हो चुका है, वहाँ पे देखेंगे आप कि वहाँ पे उसके ऊपर गाटर रखे हुए हैं और उसके आगे और कुछ काम चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये KGS प्रोजेक्ट काम चल रहा है, जिसका काम L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है और वहाँ पे डेक स्लैब का काम चल रहा है। यहाँ पे इसकी हाइट इस कारण कम है क्योंकि आगे इसके एक पुल बना हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे वीडियो के माध्यम से। सामने एक पुल दिख रहा है, वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा पुल है और उसके नीचे से ये पुल जाएगा। और इसका कंपनी L&T जियोस्ट्रक्चर कर रही है, जिसका मेन क्लाइंट इरकान है। जिस फ्रेंड को जॉब वगैरह की ज़रूरत हो, वो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे। यहाँ पे KGS प्रोजेक्ट का ये सेपरेट पे सेपरेट ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि अभी इसको इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। ये है अपलाइन, इससे भरी हुई ट्रेनें मालगाड़ी ट्रेनें जाएंगी, और इसके अपोजिट साइड है डाउन लाइन, वहाँ से मालगाड़ी खाली आएंगी। तो जिन फ्रेंडों को जॉब की ज़रूरत है या उनके दोस्तों की ज़रूरत है, वो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता चले। और जो MP के लोग हैं वो या MP से बाहर के दूसरे स्टेट के हैं, वो आके यहाँ अपना जॉब देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत है और कुछ स्टाफ की वैकेंसी चल रही है, तो आप आ सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे इसकी L&T जियो स्ट्रक्चर की जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, तो ये है पड़ारिया गांव में, जो कि NKG जंक्शन के थोड़ा आगे पड़ता है। ये है कटनी का मुड़वाड़ा जंक्शन। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ये ट्रिक था, ये डायरेक्ट पहले यहाँ से ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के बाहर जाता था, वो जहाँ आपको एक पियर दिख रहा है वहाँ पे जाता था, और वहाँ से यहाँ डायरेक्ट स्लोप था, सीधे बाहर आ जाता था। लेकिन अब हुआ ऐसा कि ये ब्रिज के कारण, कि जिस सेपरेट का जो ब्रिज बन रहा है उस कारण से ब्रिज को तोड़ना पड़ा, और ब्रिज को यहाँ से लंबाई बढ़ा के पूरा प्लेटफार्म के अंदर करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बढ़ते बढ़ते वहाँ ले गए हैं। और ये एक साइड से इसे सीढ़ी बनाया गया है, दूसरे साइड रैंप बनाया गया था। पहले रैंप बस बना था, सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, अब रैंप और सीढ़ी बनाया गया है। इसके लिए ये सामने आपको एक आपको दीवार दिख रही हो, ये रिटर्निंग वाल की दीवार है, ये सामने आपको दिख रही है। और इसके आगे है अपार्टमेंट, वो बना हुआ है, अंडर क्रॉसिंग है। तो आप यहाँ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा आपको आगे जाना पड़ेगा, पहले यहीं पे आप उतर जाते थे, लेकिन अब आगे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पियर कैप का काम चल रहा है, पियर के ऊपर ट्रेस लगा के ऊपर इसमें पियर कैप काम चल रहा है, देख सकते हैं। और जिस फ्रेंड को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।